YouTube एल्गोरिदम में एक चेंज होने वाला है। 8 अगस्त को इसकी घोषणा करी है YouTube ने और बताया है कि भाई YouTube एल्गोरिदम में एक वो चेंज कर रहे हैं और धीरे धीरे वो चेंज होगा स्लोली और आने वाले कुछ मंथ में वो चेंज पूरी तरीके से हो जाएगा और उससे क्रिएटर को भी इफेक्ट पड़ेगा और भाई साहब व्यूअर को भी पड़ेगा। अब ये चेंज क्या है उसके बारे में बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ऐसी नई नई अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 8 अगस्त को YouTube के जो ऑफिशियल फोरम है वहां पे आया है। अब इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो रिकमेंडेशन है ना उसमें एक्चुअल में चेंज किया जा रहा है। अब चेंज क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, फिर आप अपनी अपनी ओपिनियन भी बताना कि इससे क्रिएटर को क्या फर्क पड़ेगा और व्यूअर को क्या फर्क पड़ेगा। तो चेंज ये है, अभी अगर आप जाते होंगे यूट्यूब पर और यूट्यूब पर आप देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि आपके पास ऐसे भी वीडियोज रिकमेंड होके आते होंगे जिन चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने बिल्कुल उनको सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन उनके वीडियो रिकमेंड होते हैं। वो रिकमेंड कैसे होते हैं वो समझाता हूं। यूट्यूब ये कहता है कि भाई आपने जो पहले वीडियो देखते आ रहे हो, मान लो आपने कोई भी टॉपिक की वीडियो देखी सर्च करके या कैसे भी आपने यूट्यूब पे देखी, तो अब क्या होगा कि यूट्यूब के पास आपकी वॉच हिस्ट्री रहती थी, वॉच हिस्ट्री रहेगी भी, तो जो वॉच हिस्ट्री है ना उसको ही उस डेटा को यूज करके जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो आपको अलग अलग तरह की जो वीडियोज है आपके हिसाब से रिकमेंड करता था, ऐसा ही करता था। लेकिन अब चेंज ये है कि अगर मान लीजिए कोई व्यूअर अपनी वॉच हिस्ट्री को ऑफ कर देता है, अब वॉच हिस्ट्री को जब ऑफ कर देता है तो फिर यूट्यूब उसे इस तरह की वीडियोज, उसकी वॉच हिस्ट्री तो है नहीं यूट्यूब के पास, तो रिकमेंड नहीं करेगा, तो फिर उसको वही वीडियोज दिखेगी उसके होम फीड पे जिन चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है या जो टॉपिक टैब्स है उसके हिसाब से दिखेगी, अदरवाइज और वीडियो रिकमेंड नहीं की जाएगी। और अगर वो अपनी वॉच हिस्ट्री को ऑन रखता है तो जैसे जैसे वो वीडियो देख रहा है उसकी हिस्ट्री के जो डेटा है उसके हिसाब से आपको वीडियो रिकमेंड कर देगा यूट्यूब। तो सिंपल सा तरीका ये है। तो अब यार इसका देखो यूजर पे तो ये फर्क पड़ सकता है, वैसे तो लोग अपनी वॉच हिस्ट्री को ऑफ करते नहीं है मोस्टली, लेकिन अगर कोई वॉच हिस्ट्री को ऑफ कर देते हैं और मान लीजिए उन्होंने 20 चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उनको ये हो सकता है कि जिन चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो सब्सक्राइबर के ही चैनल के वीडियोस उनको दिखेंगे, यानी उस व्यूअर के जितने सब्सक्राइबर चैनल होंगे उनके वीडियोस को दिखेंगे या फिर टॉपिक टैब वाले हैं वो थोड़े बहुत दिख जाएंगे, तो इससे उसके पास उस तरह का वीडियो आता रहेगा और इससे भाई जिनके चैनल उन्होंने सब्सक्राइब कर रखे उनके वीडियोज भी जाएंगे और उस पर थोड़े व्यूज बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर उसने वॉच हिस्ट्री को ऑन कर रखा है तो उसको वीडियो रिकमेंड करेगा, तो इससे क्रिएटर को बेनिफिट ये होगा कि अगर मान लीजिए सब वॉच हिस्ट्री को ऑन ही रखते हैं तो मान लीजिए अब मेरा कोई वीडियो है, मैं नया नया चैनल बनाया है मैंने और मैंने कोई वीडियो अपलोड किया मैंने वीडियो और यूट्यूब ने कोई ऐसा बंदा है जो इस तरह की वीडियोस देख रहा है जिस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया और मेरी वीडियो भी उसे रिकमेंड कर दी, अब अगर मेरी वीडियो उसको पसंद आ गई तो उसको मैं एक नया क्रिएटर मिल गया तो आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और मेरे को व्यूज दे सकता है। तो इस तरीके से अब जो एल्गोरिदम काम करेगा यानी कुल मिला के व्यूअर को एक वो मिल जाएगा कि वो अपनी अगर वॉच हिस्ट्री ऑफ कर देगा तो फिर उसे वीडियो रिकमेंड नहीं की जाएगी। बाकी आप बेहतर समझते हैं, आप अपना अपना सारा जितना भी ओपिनियन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि अगर ऐसा होता है, ये धीरे धीरे यूट्यूब कह रहा है इसको रोल आउट किया जाएगा, तो आगे आने वाले टाइम में व्यूअर्स को क्या फर्क पड़ेगा और क्रिएटर को क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जो न्यूज थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें, इसी तरह की वीडियोज मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। चलिए मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।